समागनीसा, तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सबको बताया था कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। इतने दिन तो मैं फ़ोन पे ही बातें कर रही थी। फ़ोन पे सच में गाइस उनका जो नेचर है इतना अच्छा लगा। आज मैं फेस टू फेस उनसे पहली बार मिलूंगी। ओ यशु, वो देखो आपकी फ्रेंड दुआ। दुआ दिखी, चाहो मिलो। हेलो दुआ भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जयपुर पहुंचे। थैंक यू। कम आ गए, चले आ गए क्या आप? हम काफी वीडियो देखते हैं। फिश मीडिया। ओहो, ये ब्लैक वाली सुंदर लग रही है मुझे तो। आपको कौन सी वाली लग रही है? ये ब्लैक वाली इसको साफ करता है कांच को। अच्छा, ब्लैक वाली कांच को साफ कर रही है। ये ब्लैक नॉटी भी है। आप मैं ये वाली हूं और आप ये वाली हो। मैं ये वाली हूं और आप ये वाली हैं। और पापा ये वाली है बड़ी। अच्छा, पूरी फैमिली अंदर घुसा दी तुम। ब्लैक वाली पापा है, नॉटी वाली पापा है। हमारी जो यशविनी है ना गाइस, वो तो कहीं पे भी जाती है, नॉर्मल रहती है, बट रिशु थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। अरे यशु, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप इसमें कुछ नहीं है, ये दिखाओ मुझे। ऊपर है ना वो, ऊपर है ना। अच्छा, उसका गिर गया क्या? हाँ। ये नागमणी है, नागमणी। क्या ये नागमणी? नहीं, ये अभी आपने बताया था ना क्या है? डायमंड है। डायमंड। लो, आज तो आप यहाँ पे बदमाशी ही नहीं कर रही यशविनी, आप तो अच्छे बच्चे कैसे बने हुए हो बताओ। बहुत तगड़ा वाला परेशान कर दिया आपको तो। परेशान होती तो मैं बुलाती हूँ। ओहो, बाजरे की रोटी, सीरियसली? ऋषु के पापा के लिए? अच्छा, अब तभी आपने बोला था कि मैं देसी खाना बनाऊंगी उनके लिए। ये देखते हैं ना रोज, तो मतलब। अरे यार, मतलब पूरा व्लॉग देखते हो मैं सच में यार। आज तो ऋषु के पापा तो खाना खा के खुश हो जाएंगे। वैसे भी बोर हो गए मेरे हाथ के खाना खा के। सच में यार, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया मैंने भाईसा को। और ना भाईसा ने ना, पता है, बाजरे की रोटी, लूणिया घी भी सब ऋषु के पापा के लिए है। और खाने में मैं आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या हमारे बना है यार। सीरियसली भाईसा ने काफी कुछ बनाया है। ये गट्टे की सब्जी है, ये पनीर की सब्जी है, और ये वाली, ये हल्दी की, हल्दी की सब्जी। ये तो मैं फर्स्ट बार ही खाऊंगी, मैंने कभी खाई नहीं। चलो आज खा लूंगी। हाँ, ये रायता। और ये चटनी यार, ऋषि के पापा की सारी चीजें आपने मतलब सोच सोच के बनाई है क्या? हाँ। हमारे लिए क्या है फिर? आपसे पूछा था, आपने बताया। ये नमकीन चावल और पनीर की सब्जी मैं खाने वाली हूँ। ये दोनों आपकी फेवरेट है। मोटे करोगे क्या उनको? देखो मोटा करोगे क्या? भेज दिया रोज। ये तो बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती ऋषि के पापा। भी नहीं आती, बस टाइम पास। नहीं नहीं, आप वाली तो बहुत अच्छी बन रही है। अभी तो जल्दी में बना रही हूं। नहीं नहीं, इतनी तगड़ी बन रही है। मन तो मेरे सासू बताओ खाएंगे कि बिना को सो लेवड़ो बना दे तो। मतलब वो लेवड़े नहीं होते, बहुत सुंदर बनाते हैं ना मम्मी तो। इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं, बहुत तगड़ी बनाते हैं मम्मी। पतली बनाते होंगे ना, बड़ी बड़ी। मैंने तो कभी ट्राई नहीं की। यार सच में परेशान कर दिया आपके ननद भाई साहब को। मैं हम लोग तो रोज आते रहते हैं। हैं? रोज ऐसे ही खाते थे। देव दुर्गा भाई साहब के साथ ही हम पहुंच जाएंगे रोज। हम लोग आए थे ना, फर्स्ट टाइम आए थे, धनतेरस वाले दिन शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। उस दिन रात को यहीं पे खाना वाना खा के गए थे, और वो जलसा हुआ था उस टाइम हम लोग यहीं रुके थे। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं, खाना तो सीरियसली। नहीं नहीं, सही में, सच में आप टेस्ट करके बताएंगे। अब देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके और बताएंगे आप सबको। और बाजरा की रोटी मिल गई ऋषु को पापा तो नाम ही मिल गया। पहले पूछ के आई थी उनसे, अभी पूछ के आए थे। आज ये ना, पता है मेरे सासू माँ क्या बोल रहे थे कि ये मेरे छोड़ो तो बाजरा को स्वाद ही भूल गए थे। जब इच्छा हो ना मेरे को बोल दिया करो। सीरियसली गाइज, मतलब जीजा ने क्या क्या खाना बनाया, और टेस्ट मतलब इतना अच्छा था। मतलब मैंने तो लाइफ में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया। मतलब अपन है ना, मतलब सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब पेट फुल हो गया। बट वो बोलते हैं ना कि नीत नहीं भरी। ठीक है भाई, अच्छा लगा सच में बहुत। आते रहना पक्का।
देव दुर्गा भाई साहब आपकी वजह से मतलब बहुत अच्छी चीजें मिले मुझे मेरी वजह से ये तो देखते हैं नंबर मिल गए बस नंबर अच्छा अच्छा ठीक है अब तो मिलते रहेंगे अपन है ना बोल रहे हो आप कुछ नहीं अभी जो बोल रहे थे वो बोलो ना मेरे को यही रह जाओ पक्का अपन आपके मम्मा तो रखते ही नहीं है मुझे रखते ही नहीं है मम्मा फाइनली हम जीजा से मिलके आ गए मेरा मतलब फर्स्ट मीटिंग थी उनके साथ सीरियसली गाइस मतलब इतना अच्छा नेचर था जीजा का मतलब मैं मतलब मेरे को ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं उनसे पहली बार मिली हूँ इतना ज्यादा स्वीट नेचर था ऋषु के पापा ने तो इनफैक्ट मेरे को पता है क्या बोला कि एकदम मतलब चिराना वाली मम्मी की जैसी खातिरदारी करी उन्होंने मतलब जो चिराना वाली मम्मी को आपको पता है ये थाल लगाना ये करना वो करना और इतना ज्यादा मतलब क्या ही बताऊं मतलब मेरे को तो हम यहाँ पे 8 बजे चले गए थे अभी टाइम क्या हुआ ऋषु बाबा 12 बजने वाले हैं और मतलब मेरे को ये भी नहीं पता चला कि 12 बजने वाले मैं तो यही सोच रही थी कि अभी तक तो 10 भी नहीं बजे वो तो है ना अपने देव बना के मम्मी का फोन आया था जीजा का फोन आया था कि है ना कब तक आओगे फिर सुबह मॉर्निंग में ना स्कूल नहीं जा पाएंगे बच्चे तब फोन देखा ना मैंने तो अब लगा कि और ले मतलब 12:30 बज चुके हमें यही नहीं पता चला ऋषु बाबा इसको देखो देखो कहां से क्या कर रही है पूछो इससे क्या यीशु क्या कर रही हो आप ऐसे खोलते हैं क्या तभी गिरती है तभी लगती अब बताओ इधर लगी रही आप दर्द कौन कर रही देव बनान छोड़ रहा हूँ गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर ली चूड़ा मेरा चेंज करने का मूड नहीं है मैं सोच रही हूँ ये वेयर करके सो जाती हूँ क्या चूड़ा नहीं नहीं पहने रहने दे ऐसे थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस पे देसी टच आपको सोचते हैं सोते वक्त देसी की तरह टूट लग जाए ठीक है गाइस मिलते हैं आप सभी को मॉर्निंग में और व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे यशविनी ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि यशविनी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहती है ना यशु पता है यशविनी ना मॉर्निंग में ना रोने लग गई थी कि ऐसे वाली है ना चोटी बना के दो मम्मी अपने फिंगर पे दिखाओ कैसे लगी दिखाओ मेरे चांद की फिंगर ओ मेरे चांद के दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा बताओ गाइस कैसे लगी इसके हाथ में मैं पूरी पोयम बताता हूँ इधर ना गिर गया किसी ये रेस लगाते रहते झूले के अंदर तो ये रेस लगा रही थी किसी के साथ जोर जोर से ऐसे वो ट्रिक यूज करते हैं ना ऐसे पैर आके करते हैं तो गिर जाएगा अब वो पैर आके करते हैं वैसे कर रही थी पैर आके करते वो एक बार के अंदर चैन से हाथ गिरा और वो पीछे के बल गिरी आप ही वहीं थे क्या हाँ ओके ठीक है यशविनी गुड नाइट करो सबको गुड नाइट पापा इसे और हमारे ब्लॉग को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के अभी लाइक करो फिर आप भूल जाते हो अभी लाइक करो जल्दी जाओ नीचे जाओ वीडियो को पॉज करके नीचे जाओ लाइक करो यशु आप भी बोलना चाहोगे क्या बोलोगे गुड मॉर्निंग यशविनी यशु आपका भाई साहब भी आज लेट हो गया गुड मॉर्निंग अरे उठोगे नहीं क्या नहीं। क्यों बताओ सोने कितना टाइम सोओगी 100 मिनट नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आज की जो मॉर्निंग थी गाइस इतनी भागा दौड़ी वाली थी क्योंकि आप सबको पता ही है 12:30 बजे के समथिंग हम रात को आए थे थोड़ा सोने में भी लेट हो गया और उठने में तो लेट होना ही था पता है क्या हुआ ना तो मैंने रात को अलार्म लगाया और अभी मॉर्निंग में जब कैब वाले भैया आ गए थे उन्होंने पी पी की आवाज़ करी ना फिर उसके बाद में मुझे प्योर मेरी नींद खुली सच में मैंने बाहर जाके देखा मतलब धूप वूप सारी चीजें आ गई थी मैंने कह वाले भैया को तो यही बोला कि भैया आप जाओ आते टाइम ऋषभ को लेके आ जाना भाग के मैं ऊपर आई ऊपर आके मैंने ऋषु के पापा से रिक्वेस्ट करी मैं कि यार ऋषु के पापा ऐसे ऐसे बात हो गई मतलब मैं उठ नहीं पाई और आप ना ऋषु को छोड़ के आ जाओगे तो ऋषु के पापा ने ऐसे बोला आप रेडी कर दो मैं छोड़ के आ जाऊंगा बट अब मुझे एक टेंशन और हो गई क्योंकि ना मैंने ऋषु के पापा को ये बोला था आप गाड़ी लेके जाना मैं ना मतलब मैं ऊपर थी मेरे को पता नहीं था कब निकल गए वो गाड़ी लेके जाने के लिए मैंने बोला था क्योंकि आप सबको पता ही यार मॉर्निंग में आजकल ना सर्दी पड़ने लग गई जयपुर में वैसे सर्दी पड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई जोड़ी में तो स्टार्ट हो चुकी बट जयपुर में अभी तक नहीं हुई बट मॉर्निंग में जब ना बच्चे जाते हैं ना उस टाइम ना सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो ऋषु के पापा है ना खुद के लिए गोंद के लड्डू लेके आए
है जो गुंद का लड्डू भी मिलने लगे क्या आजकल? बनाऊंगा पकड़ा यशविनी यार, मैंने दही बड़े सोचे थे इसको यशविनी के लिए, ये स्पंज रसगुल्ले आपके लिए, मिर्ची बड़े और टमाटर कोफ्ता, ये मेरे लिए लस्सी, लस्सी है हाँ, स्पेशल फ्रॉम डीएमए, कोई पेड प्रमोशन नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम फैक्ट्री ऑफ द। मैं तो एक ही खाऊंगी, इतने सारे क्यों लाए? जो भी आपकी इच्छा होगा यार। ईशो पापा बहुत सारी गोभी ले रहा है, मेरे को तो मुंडो बढ़ रहे यार, बहुत ज्यादा ही मिर्ची मिर्ची बड़ा के अंदर। छोटी सी गोभी खा लिया, कच्ची है, कच्ची गोभी खाया करेंगे, पेट दर्द हो जाए मेरा। ना ना बहुत लगे हमें, देव देखो मुंडो बोलना पड़ गया। लो मामी से फोन कर दे, मामी से ले जैसे खा जाओ। हाय केक रूम मुंडो चल रहे बहुत जोर को, कीड़ों ना जाएंगे मैं। ना 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 खाओ से कीड़ा आएगा तो मन गए मार गो चाओ। तो बेव कोई कौन करा गुरु पापा थे यहाँ खड़का में ले रहा हूँ मैं। फाइनली मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और इन दिनों पता नहीं है ना क्यों है ना बहुत ज्यादा छोटे दिन होने लग गए, और मतलब मेरा जो काम है ना बच्चों के आने के बाद में भी फिनिश नहीं होता। दोनों बच्चे मेरे स्कूल से घर पे आ चुके हैं, यशविनी मेरी साथ यहाँ पे बैठी है, और फटाफट से मुझे करनी है पैकिंग। कहाँ जाने के लिए ये बता दूं या फिर रहने दूं? ऋषभ ऐसे बोल रहे, मम्मी रहने दो, सरप्राइज रहने दो। तो मैं सोच रही यार बता ही देती हूँ, बता ऋषभ। हाँ तो ऋषु बताएगा, ऋषु आ जा। तो हम सब नहीं, मैं यशविनी और ऋषु के पापा, हम तीनों जा रहे हैं जोड़ी, और वहां पे एक शादी भी है वो भी अटेंड करके आनी है, और साथ ही साथ ऋषु के पापा को तो आगे, पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उस चक्कर में वो क्या ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो इस चक्कर में मैं ड्राइव करके लेके आऊंगी। थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ क्योंकि यार आप सबको पता ही है बड़ी वाली गाड़ी है, हाईलैक्स है, अगर जिमनी होती ना तब तो थोड़ा सा ईजी रह जाता, बट देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, ऋषु के पापा ने ऐसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो धीरे धीरे चलाना, आपको मतलब कुछ हो भी जाए छोटू मोटू सा तो आपको कोई डांटने वाला नहीं है। और हमारा जो ऋषु है वो रहेगा अपने अपनी मम्मी के साथ। ऋषभ इतना ज्यादा खुश के साथ, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ऋषु है ना पता है मतलब, इसकी माँ भी आने वाली है, और इसके क्या थोड़े से स्कूल में एग्जाम वगैरह है, उस चक्कर में हम ऋषु को नहीं लेके जा रहे, और साथ ही साथ है ना आप सबको भी पता ही है, मैंने आपको बताया था ना मम्मी इसकी जो मैम है वो काफी छुट्टियां कर दी उन्होंने। मेरे आए थे ना 89 मेरे तमन के अंदर 89% आए थे। हाँ और पता है ऋषभ आपके लिए कमेंट भी आ रहे थे कि ऋषभ के है ना परसेंटेज क्या बनी, 89 ऋषु नहीं प्लीज 95 लेके आना अब नेक्स्ट टाइम। वैसे तो अच्छे हैं ये भी, मैं फर्स्ट क्लास के अंदर 91 लाया था। अच्छा ऋषभ हमारा बहुत ज्यादा क्यूट है। और अभी मुझे करनी है पैकिंग गाइस, तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ क्योंकि ऋषु के पापा है ना मेरे को बोल के गए हैं स्पेशली कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप पैकिंग कर देना, वो खुद का सामान तो पूरा निकाल के चले गए, बस इसको पैक करना है। तो मेरा और यशविनी का सामान और मैं निकाल लेती हूँ, मेरे को दो ड्रेस लेके जानी है क्योंकि हम दो दिन ही रहेंगे, एक तो आज का हो जाएगा, आज का तो पूरा दिन निकल ही जाएगा, मैं हम पहुंचेंगे 10:30 के समथिंग, तो एक कल का दिन होगा और परसों के दिन हम वापस आ जाएंगे जयपुर, तो ऋषु को ज्यादा टाइम अपने मम्मी से अलग नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है गाइस अब मैं करती हूँ पैकिंग, और यशविनी के भी कपड़े वगैरह मेरे को थोड़े से विंटर के भी डालने पड़ेंगे क्योंकि गांवों की साइड तो आप सबको पता ही है सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, जयपुर में तो फिर भी अभी तक है ना मतलब गर्मी ही पड़ रही है, मैं तो फैन भी चलाती हूँ ये मानो आप। चले यशविनी ठीक है गाइस अब मैं पैकिंग करती हूँ। तो मैं दो ड्रेस लेके जा रही हूँ, ये वाली जो अभी अभी हमने न्यू ही करवाई है द रॉयल राजपूती कलेक्शन से क्योंकि ये अच्छी लगी मुझे, तो एक तो ये वाली लेके जाऊंगी और एक ये वाली, ये भी द रॉयल राजपूति कलेक्शन की है, इसको तो मैंने 2-3 बार वॉश भी कर लिया, मतलब कलर वगैरह एकदम सही है, ओढ़ना भी मैंने वॉश कर लिया, सारी चीजें सही है इसकी। तो ये दो ड्रेस मैंने ये ले ली है, और साथ ही साथ मैंने सिया फैशन की ज्वेलरी ली है, वहां पे क्या शादी है तो मैं वहां पे वियर कर लूंगी, ये काफी दिन से मेरे पास आई हुई पड़ी थी, मैं प्रमोशन कर ही नहीं पा रही थी तो वहां पे गाँव में जाके करूंगी अभी। तो मुझे ना वो क्या बोलते हैं प्योर के सूट भी निकालने हैं, दो सूट ही लेके जाऊंगी मैं, पोशाक नहीं लेके जाऊंगी, ओनली सूट ही, मैं सोच रही हूँ यार सूट सही रहता है थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने एक कॉटन मेरा निकाल लिया है प्योर में नीचे से निकाल के लाऊंगी, और यशविनी के जो भी कपड़े वगैरह है वो मैं निकालूंगी। यशविनी के देखो गाइस लगी ना अभी तो किसके दर्द हो रहा है, आज स्कूल में इसने पता है होमवर्क भी नहीं किया, करे तू है करे
ओके बाहर कर रहे थे बाकी बड़े फिंगर्स है ना नीचे अरे गाइस मैं तो लग जा बोला जाती है ये बोल रही है मैंने छोटे फिंगर से काम नहीं किया मैं बड़ी फिंगर से लिख रही थी नहीं इसको ना पता है ये जो छोटी फिंगर है ना इसको ऐसे हटा के किया इसने ऐसे दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है मेरी चांद के को लगता है ऋषु के पापा क्या इतने सारे अपने कपड़े वगैरह लेके जा रहे हैं तो इस बैग में तो शायद ही आए अब देखो क्या होता है प्योर में मैं ये वाला जो सूट है ना ये लेके जा रही हूँ रेड कलर का ये भी द रॉयल राजपूती कलेक्शन का ही है बहुत ही प्यारा सूट है पेंटिंग का है और हैंड पेंटिंग है बहुत ही प्यारी लग रही है तो एकदम वो रेड वो नहीं है चटक वाला रेड वो वाला है और आप अपने अकॉर्डिंग है ना कस्टमाइज भी करवा सकते हो अगर आपको चाहिए तो कोई भी कलर और एक मैं ये ले रही हूँ तो आपको जो भी मतलब सारे जितने भी सूट है ना जो भी आपको समझ में आ रहे हैं ना आप ना द रॉयल राजपूती कलेक्शन से परचेज कर सकते हो स्क्रीन पे मैं नंबर दे देती हूँ अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है मतलब कॉटन में प्योर में जो भी ठीक है गाइस मैं मेरा तो ये वाला बैग ही लेके जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि है ना आप सबको पता ही है ऋषु के पापा आगे निकलेंगे तो फिर है ना वो वाला बैग मैंने उन्हीं के लिए कर दिया यार यशविनी को नींद आ गई इसकी मेरे को चोटी वगैरह बनानी थी दो दिन में तीन बैग कर लिए ऋषु के पापा ने ये पूरा बैग ऋषभ के पापा का है ये पूरा बैग ऋषु के पापा का है मेरा और यशविनी का ये छोटू सा बैग है बस हाँ दो दिन ही है अच्छा पांच दिन बताओ ऋषु पापा चलो यशविनी अपन तो चलते हैं ठीक है ऋषभ बाय अभी थोड़ी सी देर में मैम आने वाली है ठीक है ना अरे मत कर मत कर है माँ के पास जा रहे हैं यशवी यशवी ऐसे बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम माँ के पास जा रहे बेटा तो गाइस मैं आगे जाके बर्गर फार्म से मेरे को बर्गर पैक करवाना है ऋषु के पापा के लिए मेरे लिए क्योंकि यार है ना मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है ऋषु के पापा को तो फिर भी नहीं लग रही क्योंकि वो दूध पी के आए ली थी और है ना मैं वहाँ पे बर्गर पैक नहीं करवा पाई तो मैं बीच में ही उतर गई थी मतलब हाइपर सिटी के जस्ट पीछे की साइड ही है ढेरका बालाजी से ही हमें हमारी जो ट्रेन है वो मिलेगी और आज बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमारी जो टिकट है ना वो कंफर्म नहीं हुई तो देखो क्या क्या होता है हमारे साथ आज क्योंकि मतलब दो तीन दिन पहले बुक करवानी होती है आज पूरी टिकटें वगैरह बुक हो रखी थी फुल थी ऋषु के पापा है ना कैब लेके आगे चले गए मैंने उनको ये बोला था कि मैं ना पैदल पैदल आ जाऊंगी आप आगे जाके जो भी टिकट वगैरह का अगर कोई जुगाड़ हो सके तो आप कर लेना देखो क्या होता है और हमारी जो ट्रेन है वो है 6 बजे की चूरू की वहाँ से मम्मा पापा लेने आएंगे हमें और अभी टाइम हुआ है 5:30 तो आधा घंटा अभी तक पड़ा है मम्मी का जस्ट अभी कॉल आया था मम्मी ऐसे बोल रही थी कि भाई सब्जी वगैरह किस चीज़ की बनानी है ऑप्शन दिया था मम्मी ने नए वाले आलू या फिर बैंगन की सब्जी तो आलू ऋषु के पापा नहीं खाते तो मैंने मम्मी को ये बोला कि आप है ना बैंगन की सब्जी बना लेना बट मेरी कुछ नहीं बनाना क्योंकि मैं तो मेरा जो भी सामान वगैरह है खाने का वो मैं पैक करके लाई हूँ मैं तो आराम से बैठ के अगर सीट मिल जाए ना तो मैं तो आराम से बैठ के इंजॉय करूँगी मेरे खाने को यार ढेरका बालाजी आ ही नहीं रहा इतना चले जा रही हूँ अच्छा इस साइड है मैं इस साइड की साइड देख रही थी यहाँ पे देखो तगड़ी भीड़ है शायद मेरे हिसाब से कोई ट्रेन वगैरह आई है तभी इतने सारे ऑटो वगैरह खड़े हैं मेरे को एक भी ऑटो नहीं मिला नहीं तो मैं ऑटो में आ जाती पता है शादी से पहले है ना मैं ढेरका बालाजी से ही ट्रेन में जाती थी और मतलब बीच में है ना ढेरका बालाजी बंद भी हो गया था जाओ राइट लेफ्ट बोला करते हैं राइट है तो राइट लेफ्ट है तो लेफ्ट के मुंडा मचकोट रहे रुको थक मुंडा ही दिखाऊं
कैमरा के पीछे किया मुंडो रखो दे। हाय यशु, यशु क्या क्या किया आपने? है यशविनी, आपने पापा को परेशान नहीं किया? है नहीं किया? मच्छर देखो यशु, मच्छर खतरनाक है, आप ध्यान रखना, आपके मच्छर नहीं खा जाए मेरे चांद के। आप पापा का ध्यान रखती हो? पापा तो एक घंटा पहले ले आ रहे थे, बिठा दिया। और आपसे? आपसे क्या परेशानी हो रही ना मेरे को? तो गाइस कहाँ हम 5 बजे निकल गए थे और अभी 6:30 बजने को आई, अभी तक हमारी जो ट्रेन है वो नहीं पहुँची। ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई और रात भी हो चुकी है और हमारी जो यशविनी है ना वो रोने लग गई, पापा चलो ना चलो ना चलो ना। तो ऋषु के पापा अभी उसको लेके गए हैं, मतलब उस साइड कि बस अभी आ ही रहे हैं। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मतलब ट्रेन जैसा हॉर्न मेरे को सुनाई दे रहा है, शायद हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है और मेरा जो लगेज है यशविनी वहाँ देखो वहाँ लेके चली गई वो। तो गाइज आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आप सबने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है हमारा जोड़ी का।